ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MBTech शो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं Oppo F11 Pro के बारे में। दोस्तों Oppo की तरफ से Oppo F11 Pro को काफी जल्दी मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों Oppo F11 Pro के बारे में सारा कुछ। तो दोस्तों ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पे Oppo F11 Pro के डिजाइन से बात करें तो दोस्तों इस डिवाइस में बैक में आपको पॉलीकार्बन बॉडी डिजाइन देखने मिल जाए, जिसमें आपको काफी कमाल की ग्रेडियंस कलर देखने को मिलेंगे और फ्रंट में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी, जिसमें ऊपर नीचे आपको बिल्कुल ना के बराबर बेजल देखने के लिए मिलेंगे। वहीं बात करें दोस्तों डिस्प्ले साइज की तो 6.4 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने मिलेगी, जो एक IPS डिस्प्ले पैनल के साथ में आने वाली है। एंड्रॉइड का पाई देखने मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको हेलियो P70 का प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो हाल ही में आपको रियलमी U1 में देखने के लिए मिल चुका है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है और परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी Oppo F11 Pro की इस प्रोसेसर के साथ में। रैम एंड रोम की बात करें तो इस डिवाइस में आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, 4GB 64GB और 6GB 128GB वाले। बैटरी की बात करें तो 3500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों रियर कैमरे की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने मिलेगा। रियर कैमरा देखने मिलेगा 48 MP का और 5 MP का आपको डेप्थ सेंसर देखने मिल जाएगा। 8 MP का आपको टेलीफोटो लेंस सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। जो 48 MP का आपको सेंसर देखने मिलेगा वो होगा सैमसंग का GM1 सेंसर, जो आपको हाल ही में रेडमी नोट 7 में देखने के लिए मिल चुका है। वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी में आपको 32 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो एक पॉपअप कैमरा डिजाइन वाला कैमरा होने वाला है, जैसा कि आपने पहले वीवो नेक्सस में देख चुके हैं। वहीं बात करें दोस्तों सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के तौर पर आपको फेस अनलॉक के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस डिवाइस की लॉन्च डेट की बात की जाए तो मार्च की फर्स्ट वीक तक इन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है ओप्पो की तरफ से। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो दोस्तों इस डिवाइस का स्टार्टिंग प्राइस आपको 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों जो भी हो ओप्पो का F11 Pro काफ़ी कमाल का डिवाइस होगा, जिसमें आपको काफ़ी कमाल का लुक एंड डिजाइन तो देखने के लिए मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको सेल्फी के लिए पॉपअप कैमरा डिजाइन देखने मिलेगा, फुल बेजललेस डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस डिवाइस का प्राइस आपको 20,000 से 25,000 के बीच में देखने मिलता है, तो ये डिवाइस काफ़ी कमाल का होने वाला है। बाकी का यार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि Oppo का F11 Pro आपको कैसा डिवाइस लगा और क्या इस डिवाइस का आप वेट करना पसंद करेंगे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने का। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।